नमस्कार दोस्तों, हर महादेव। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल VGR ब्लॉग्स में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप लोगों को लगातार जो बनारस के ऐतिहासिक धरोहर हो या फिर कोई भी विकास का कार्य हो आपको दिखाता ही रहता हूं। तो इसी क्रम में दोस्तों, आज मैं आप पहुँचाऊँ श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर आप लोगों को दिखाने के लिए, जो फेज़ टू का कार्य है वो कितना पहुँचा है। और साथ ही दोस्तों, आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, जो काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसकी जो वीडियो होती है वो दोस्तों बहुत लंबी बनती है, तो इसलिए मुझे मजबूरन इसे पार्ट्स में दिखाना पड़ता है। तो आप लोग से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग इस चीज़ को समझ के लीजिएगा। और आइए आज की वीडियो करते हैं शुरुआत, और मैं आप लोगों को आगे चीज़ें दिखाता हूँ और बताता हूँ। ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं, ये आपका गेट नंबर है 4। ये देखिए, ये दोस्तों आपका गेट नंबर 4। और यहाँ से जो भक्तगण हैं वो दर्शन कर सकते हैं, भीड़ का नज़ारा आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों जो आप गेट देख रहे हैं, गेट नंबर 4 है, यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन हम लोग आपको जो दर्शन कराएंगे वो कराएंगे आपको गंगा द्वार से। आइए चलते हैं। दोस्तों, ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये खुदाई में यहाँ पर प्राप्त हुआ था मंदिर, और इस वक्त मैं आपको श्री काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है उसके बाहर से आपको ये दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों, जब ये काशी विश्वनाथ बनना शुरू हुआ था तो हम लोग यहीं से जो शूट है वो करते थे। यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले हुआ करते थे, जो ऐसा लगता था जैसे हम लोग कोई अपराधी हैं। वो मतलब हम लोग को बोलते रहते थे कि आप यहाँ से परमिशन लाइए, वहाँ से परमिशन लाइए, इनके पास जाइए, वहाँ जाइए। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते हुए भी दोस्तों, हम लोग लगातार शूट करते रहते थे ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो देख सकें कि जो निर्माण कार्य है वो किस स्थिति में है। तो इतनी मेहनतों के बाद दोस्तों, अब देखिए हम लोग जो चीज़ें हैं वो बन चुकी है, हम जा सकते हैं यहाँ से। पुलिस को भी अब यहाँ से हटा लिया गया है क्योंकि चीज़ें अब अपने यथास्थिति में अब धीरे धीरे आ रही हैं। ये देखिए, ये प्राचीन काल का मंदिर है, आप देख सकते हैं। तो हमारी दोस्तों यही कोशिश रहती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको दिखा सकें और उसके बारे में बता सकें, जिससे आपका भी ज्ञानवर्धन हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये मंदिर बता नहीं अभी तक किसी ने दिखाया कि नहीं, किसका मंदिर है ये, कौन सा भगवान है। ओम सप्तावरण विनाकाय नमः काशी खंड। दोस्तों, काशी खंड में पाए गए मंदिर, इसमें क्या लिखा है। न्यास द्वारा लगाया गया क्या है ये, पंचकोशी यात्रा होती है। हाँ, उसका अंतिम पड़ाव है ये। अच्छा, पंचकोशी की जो यात्रा होती है उसका अंतिम पड़ाव यहीं पे आके खत्म होता है। तो इनको जल चढ़ता है, क्या होता है। नहीं, यहाँ जौ चढ़ता है। जौ। अच्छा, हाँ हाँ, जान रहे हो। तो घर में हम लोग होता ना पूजा, होता जा रहे हैं जौ। तो जौ चढ़ता है। अच्छा, यहाँ आए जौ। तो ये सब जो मंदिर थे, ये पहले अंदर थे या मतलब बाहर ही थे। पहले से ऐसे ही है। इस इधर से मैं कई बार गया हूँ, ये ध्यान नहीं दिया कभी। अरे, ये मंदिर में महाराज बनारस आ चुके जब पैदा नहीं। जी 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 जी, जी सही कह रहे हैं। ये 40 साल पहले की, और योगी जब अभी प्रधान मुख्यमंत्री बने हैं। अरे, हम वीडियो मत लीजिए। कोई बात नहीं, जब मुख्यमंत्री बने हैं तब भी आए रहे वो 250 के संग। अच्छा अच्छा, आए रहे। ठीक ठीक, महाराज बनारस आए हैं हम समस्या से 35 साल पहले, काशी नरे जो गुजर गए। जी जी जी, दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने सुना,
अपना शुभ नाम बता दीजिएगा। शैलेंद्र कुमार सिंह। एक मिनट, हाँ बोलिए। शैलेंद्र कुमार सिंह। तो जैसा कि दोस्तों आपने शैलेंद्र जी की बात सुनी कि यहाँ पर पशुगोशी की जो यात्रा है वो तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि इस मंदिर में जौ नहीं चढ़ाया जाता। तो ये काशी खंड में मिला मतलब इसका वर्णन है दोस्तों इस मंदिर का भी। कपिलधारा से शुरू होके यहाँ पे आके खत्म होता है जौ चढ़ाना। जी जैसा कि आपने सुना कपिलधारा से शुरू होकर शुरू होता है, कपिलधारा से जो मंदिर है वहाँ से शुरू होता है जो चढ़ाना और यहाँ पे आके और यहाँ पे आके ये खत्म होता है, यहाँ पूर्णाहुति होती है। देखिए तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो मंदिर है वो बहुत ही प्राचीन काल के हैं और ये जब मतलब खुदाई हुई थी उसके बाद बहुत सारे ऐसे मंदिर निकले। तो सभी मंदिरों को हम दोस्तों कोशिश करते हैं कि उसको कवर कर सकें, जो जो मंदिर प्राप्त हुए हैं और जो मूर्तियाँ हैं वो सारी सही सलामत रखी गई हैं या नहीं उसका दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं। जा भाई तोरे बदे रुक गई जाता ना हुआ तू। ये देखिए मंदिर मैंने आपको पिछली बार दिखाया था अंदर से, अभी बाहर से दिखा रहा हूँ, अभी अंदर से दिखाऊंगा आपको। ये देखिए इसका जीर्णोद्धार का जो काम है वो ज्यादा से ज्यादा हो ही चुका है। पिछली बार दोस्तों मैंने आपको अंदर से दिखाया था, अभी बाहर से दिखा रहा हूँ। तार कुछ ज्यादा लग रहा निकल गया है। ये दोस्तों चल रहा है यहाँ पर काम पंपिंग स्टेशन का। अभी रुकिए अंदर से आपको दिखाता हूँ, मैं पहले यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। हाँ अभी जाऊँगा आराम से, पूरा बहुत लंबा टाइम है अपने पास। यही है, यही वो पत्थर दोस्तों, यही लाल पत्थर है, देख लीजिए। पता नहीं क्यों इसमें वाइट दिख रहा है, हो सकता है कलरिंग का इशू हो। तो ये देखिए पत्थर लगाने का जो काम है बाहरी दीवारों पर वो कितना बारीकी से इसको कसा गया है यार, किस चीज़ से कसे हैं इसको। देखिए नट बोल्ट भी दोस्तों कसा हुआ है, ऐसे पत्थर को ऐसे लगाते हैं फिर उसके बाद इसमें सीमेंट भरते हैं। इतनी बारीक जानकारी तो पता नहीं किसी ने दिए कि नहीं दिए, मालूम नहीं मुझे दोस्तों। मैं अगर कुछ बोल देता हूँ वीडियो में तो पता चला कि लोग बोलेंगे कि यार तुम गलत सलत बताते हो, तो मैं गलत सलत दोस्तों बताना नहीं चाहता। ये देखिए दोस्तों बहुत ही बड़े रैंप का जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है और ये देखिए जेसीबी से जो समतलीकरण का काम है वो अब चल रहा है यहाँ पर और जल्द ही इस एरिया का भी जो डेवलपमेंट है वो कर दिया जाएगा। ये देखिए क्रेन्स अपना काम कर रहे हैं और ये रैंप दोस्तों देखिए अब यहाँ तक बन गया है, पिछले हफ्ते जब हम लोग आए थे तो ये आधा बना था। अभी देखिए इसकी जो यथास्थिति है वो ये है और दोनों साइड से लगातार जो क्रेन्स हैं दोस्तों वो अपना एक कार्य का निर्वहन जो है वो कर रही हैं कि जिससे कि जल्द से जल्द जो बेस है वो तैयार कर लिया जाए इस साइड का भी। ये देखिए क्योंकि इतना बड़ा रैंप है दोस्तों यहाँ पहुँचने के लिए ये बनाना पड़ेगा ऐसे। आइए अब चलते हैं, इस द्वार से हम लोग काशी विश्वनाथ में एंटर करते हैं क्योंकि दोस्तों उस साइड का जो मणिकर्णिका वाला द्वार है वहाँ पे क्रेन का द्वारा काम चल रहा है तो इसलिए उधर से नहीं जा सकते। आइए चलते हैं इधर से, यहाँ पे छोटा सा गेट है। भाई रास्ता वहाँ कहाँ बंद कर दिया यार, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो पत्थर लगाने का काम है वो चल रहा है और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये मंदिर दोस्तों जीर्णोद्धार में ये निकला हुआ है। ये देखिए ये पत्थर लगाने का काम यहाँ पर किया गया है,
ये जो पत्थर हैं दोस्तों, ये चुनार के पत्थर हैं, बलुआ लाल पत्थर। और यहाँ पे एक गेट लगाया गया है। रुकिए, मैं आपको ये जो पंपिंग स्टेशन का काम है वो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जो काम है ये इतना हुआ है। ये भी आप पंपिंग स्टेशन है ना। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो काम है ये इतना चल रहा है यहाँ पर अभी पंपिंग स्टेशन का। और एक और खास चीज़ बताता हूँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ से भी कॉरिडोर में घुसने के लिए एक, ये देखिए यहाँ पर आपको बनाया गया है। ये पता नहीं किसी ने दिखाया कि नहीं दिखाया, मालूम नहीं दोस्तों। ये यहाँ पर नया बन रहा है, ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। ये कौन सी बिल्डिंग है भैया, इसका क्या नाम है, ये कौन सी बिल्डिंग है? ऑफिस है, श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट का ना, जो ट्रस्ट है। तो ये दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बताया कि ये ट्रस्ट का ऑफिस है। यहाँ से अंदर जाने के लिए रास्ता होगा, जो एस्केलेटर है वो लगा दिया गया है। और काम जो है देखिए लगातार ये लोग चल रहा है यहाँ पर। ये क्या चीज़ बन रहा है भैया, ये क्या है? मतलब ये पंपिंग स्टेशन से कनेक्ट करने के लिए ये बन रहा है, यही कनेक्ट होगा ना मतलब। तो दोस्तों, महा मेहनत करते हुए हम पहुंच गए हैं आपका रैंप के पास। ये देखिए जो रैंप का काम है वो इतना हुआ है अभी आपके सामने है। तो बहुत तेज़ी से ये लोग काम कर रहे हैं यार। अभी एक हफ्ता पहले आए थे तो थोड़ा सा बना था, अभी देखिए इतना सारा बना दिया इन्होंने। बहुत ही स्पीड से ये लोग काम कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है दिन रात काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से ये लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि एक हफ्ता पहले मैं आया था तो इसका आधा बना था, अभी देखिए पूरा हो गया ये। तो मुझे लग रहा है एक हफ्ता में ये लोग कर देंगे कम्प्लीट, एक हफ्ता नहीं तब भी एक महीने में तो कर ही देंगे। ये देखिए उसके बाद दोस्तों, ये है आपका, ये देखिए यहाँ से जो सीढ़ियाँ हैं वो भी बन गई हैं, और यहाँ पर जो बैरिकेडिंग लगाने का काम है वो भी कर दिया गया है। और ये है दोस्तों मुख्य गंगा द्वार, जहाँ से जो पर्यटक और श्रद्धालु हैं वो आते हैं, ये आप देख सकते हैं। और सामने जो आप ये जगह देख रहे हैं ये आपका दुकानें हैं। लाइट जो ये आपका टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर, कोशिश करता हूँ आपको टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर में लेके चलने की। आइए देखते हैं टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर जो पिछली बार हमने दिखाया था उसका क्या स्टेटस है। ये काला क्यों आ रहा है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोस्तों देखिए, एक और एस्केलेटर यहाँ पर बना है छोटा सा, ताकि जो जनता है वो यहाँ से आ सके आराम से। ये देखिए, और एक जो बड़ा वाला एस्केलेटर है दोस्तों वो आगे शंकराचार्य जी की मूर्ति के आगे लगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा उस पर चल के भी, लेकिन शायद वो बंद है इस पर, पिछली बार मैंने आपको दिखाया था ये बड़ा वाला भी। तो जो रैंप का काम है दोस्तों आप देख सकते हैं वो यहाँ से इतना हुआ है। और ये जो है वो मुख्य गंगा द्वार है, काम मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कितना हुआ है। अभी यहाँ से दोस्तों मैं चलूँगा नीचे और रुकिए उस साइड से आपको दिखाता हूँ।
तो ये देखिए दोस्तों, ये बना है आपका गंगा व्यू गैलरी। आइए देखते हैं इसमें से काफ़ी कुछ। इसका फर्श वर्श देखिए बन गया है और यहाँ से जो नज़ारा होगा वो ऐसा होगा, देख लीजिए आप। यहाँ से आप गंगा जी का आनंद लेंगे, क्योंकि मैं इसमें कैमरा घुसड़ के देखता हूँ। आइए अब चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ये तो है आपका जलासेन घाट का पंपिंग स्टेशन है, और यहाँ पे देखिए पुरानी जो कलाकृति है वो बनी हुई है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ की जो चीज़ें हैं वो उनका जो जीर्णोद्धार कार्य है वो ज़्यादातर चीज़ों का हो ही गया है। कुछ जो अफवाह फैलाई गई थी कि यहाँ पर मंदिरों को तोड़ा गया है, ये किया गया, वो किया गया, ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। मैं पूरा देख लिया, मैंने कहीं पर कोई कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि इस तरह के कमेंट्स करना ठीक नहीं है। आप जो कार्य करने आ रहे हैं उस कार्य को करके ही आपको अपना जो काम है वो करके निकल जाना चाहिए। अनर्गल किसी पर कमेंट करना दोस्तों ठीक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप लोग बताइएगा। ये देखिए कितना सुंदर जो यहाँ पर चीज़ें बनी हुई हैं वो देखिए। ये दोस्तों जो सामने आप देख रहे हैं ये है आपका ललिता घाट, और ललिता घाट के पास जो आपका ये देखिए, ये जो सीढ़ी बनाने का काम है दोस्तों वो यहाँ पे चल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए, यहाँ पर दोस्तों स्लोप का काम हो गया है और यहाँ पे सीढ़ी बनाने का जो काम है वो चल रहा है। ये देखिए हम लोग की मजबूरी है याद रखना नहीं तो क्या बताएंगे। ये क्या बना है, ये देखिए दोस्तों, ये पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है। यहाँ पर एसी वसी लगा है यार, कैफेटेरिया है क्या ये? ये दोस्तों मैं पहली बार तो नहीं आ रहा हूँ, पहले इससे पहले तो आया हूँ शायद। पिछली बार आया था तो ये क्या है, यहाँ से भी आ सकते हैं क्या? और ये देखिए यहाँ पर कार्तिकेय जी की जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है। यहाँ पे वृक्ष लगाए गए हैं, किस चीज़ का वृक्ष है ये दोस्तों? बेल का वृक्ष लग रहा है, बेल पत्र है दोस्तों। बेल पत्र का जो वृक्ष है वो यहाँ पे लगाया गया है। ये देखिए बैठने के लिए भी शायद ये बनाया हुआ है, मतलब कोई ध्यान नहीं। और ये आपका ये भी क्या है, ये बेलपत्र है क्या है? अभी दोस्तों बेलपत्र ही लग रहा है, और ये भी बेलपत्र है। बढ़िया काम, बढ़िया काम। ये दोस्तों कार्तिकेय जी की प्रतिमा है,
ये देखिए, ये दोस्तों पहली बार मैं अपने चैनल पे दिखा रहा हूँ, किसी ने दिखाया है तो पता नहीं भाई, मुझे मत बोलना तुम लोग, क्योंकि इससे पहले क्या होता है कि लोग अलग अलग तरह के अनर्गल कमेंट करते हैं जिसका मैं जवाब देना उचित नहीं समझता। अब किस किस को जवाब देते बैठेंगे, जितना संभव हो सकता है उतना हम लोग कर सकते हैं। जो दोस्तों जो आपको मैं सामने दिखाना हूँ, ये देखिए ये वैदिक केंद्र है, यहाँ से देखिए जो जनता है वो ऐसे जाएगी, और अभी पत्थर भरने का इसमें काम मतलब चल रहा है, यहीं से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ दूर से। तो देखिए यहाँ से आप जाएंगे ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और पहुँच गया वैदिक केंद्र, ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों जो आप रास्ता देख रहे हैं ये फ़िलहाल नेपाली मंदिर जाने का है, और यहाँ पे राजराजेश्वरी मंदिर भी है एक। काफ़ी जल्दी रास्ता में गिरने पड़े, आइए चलते हैं अब दूसरी तरफ। यहाँ से जाने का रास्ता है, यहाँ से रास्ता है, देखिए दोस्तों काम चल रहा है दोस्तों, भविष्य में जब आप आएंगे तो ऐसे ही यहाँ से होके जाएंगे लोग। ये दोस्तों फर्स्ट टाइम मैं अपने चैनल पे देख रहा हूँ, अपने चैनल का बता रहा हूँ दोस्तों, फर्स्ट टाइम है। ये देखिए आ गए हम लोग बाहर, रैंप, जो दिव्यांगजन होंगे दोस्तों उस रास्ते से आराम से जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो काम है वो लगातार चल रहा है, पिछली बार मैंने आपको ये दिखाया था ऑलरेडी। ये देखिए ये हमारे गणपति बप्पा, ये दोस्तों वो मंदिर है, और ये जो आप देख रहे हैं ये दुकानें हैं, देखिए दुकानें ही दुकानें। ये हमारे गणपति बप्पा, जय प्रभु। देखिए जो मंदिर है वो बन रहा है, ये देखिए इन मंदिरों में जो है वो स्थापना होगी। जो भी मूर्तियाँ वगैरह मिली हैं दोस्तों, कोई भी मूर्ति मतलब ना ही उसका विध्वंस किया गया है ना ही उसे क्षति पहुंचाई गई है, बिल्कुल दोस्तों संभाल के रखा गया है एक एक जो मंदिर है। और ये देखिए यहाँ पर जो वृक्ष हैं दोस्तों वो लगा दिए गए हैं, क्योंकि पेड़ पौधे होने से क्या है दोस्तों की छाया मिलती है, और छाया रहती है तो थोड़ा आराम रहता है। यहाँ पर्यटक श्रद्धालु आ रहे हैं उन लोगों को थोड़ा आराम रहेगा दोस्तों। और ये देखिए ये है आपका भवन, और ये दोस्तों वैदिक भवन है जो मैंने आपको उस साइड से दिखाया अभी, ये देखिए ये
ये देखिए यहाँ पर की गई है चित्रकारी। ये देखिए यहाँ से भी दोस्तों देखिए सीढ़ियाँ बन रही हैं, यहाँ से भी जो रास्ता होगा वो खुलेगा। और ये दुकानें हैं, ये देखिए। Oh,